नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही, शिक्षकों के 9000 पदों पर होगी भर्ती। यानी अभी जो वर्ग दो दोस्तों प्रस्तावित है, इस पर 9000 पदों पर भर्ती की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, वर्ग तीन का एक आंकड़ा निकल के आया है। इसमें दोस्तों देखेंगे आंकड़ों की स्थिति में, आप यहाँ पर आंकड़ों की स्थिति में प्राथमिक यानी सॉरी उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक का दिया है 1,48,000 दोस्तों ये जो है स्वीकृत पद हैं। और कार्यरत इसमें से 1,40,000 पद हैं साथियों, ठीक है। और इसके अलावा रिक्त पदों की संख्या यहाँ पे 8,000 बताई गई थी। ये DPI स्कूल का आंकड़ा है दोस्तों, जिसमें अभी प्रमोशन के पद अभी बचे हुए हैं, अभी रिटायरमेंट भी अभी और होने, चयन परीक्षा तक ये जो आंकड़ा है 8,000, ये लगभग 15,000 तक जा सकता है, ये अनुमानित है दोस्तों। लेकिन ऑफिशियली जो डाटा भी निकल के आया है, क्योंकि शिल्पा गुप्ता जो कि सहायक आयुक्त हैं, उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा के 8,000 पद हैं। ये समझ लीजिए कि लगभग 8,000 पद आपको अभी ट्राइबल में मिल जाएंगे। अभी केवल हम डेटा की बात करें, इसमें बढ़ सकते हैं, यानी लगभग 16,000 पदों पर दोबारा जो भी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर में होने जा रही, इसकी चयन परीक्षा 16,000 पदों पर हो सकती है दोस्तों, ये संभावना है। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग प्राथमिक शिक्षकों के पद 8,000 हैं, तो बिल्कुल निश्चित है। अब ये जो दोस्तों अगस्त में होने वाली है जो परीक्षा है, इसमें वर्ग दो के पेपर होंगे और सितंबर में जो है अगस्त ही में ही जो है वर्ग तीन का भी पात्रता परीक्षा ले ली जाएगी। यानी जनवरी या फरवरी में जो है वर्ग तीन चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें इस बार काफ़ी ज़्यादा पदों पर प्राथमिक शिक्षकों के जो भर्ती है वो की जा सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा 17,000 पद जो हैं खाली हैं दोस्तों शिक्षकों के मध्य प्रदेश में। तो ये अपडेट आज निकल के आया हुआ है। कर्मचारी चयन मंडल जो इसके लिए कैलेंडर भी तैयार कर रखा है प्राथमिक के लिए, माध्यमिक के लिए, लेकिन जल्द से जल्द अब एग्ज़ाम कब होगा इसका इंतजार है। हालाँकि अगस्त में तो कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपने देखा होगा 28-29 अगस्त को ANM का पेपर है। अब सारे एग्जाम जो आपके सितंबर में होने वाले हैं, यानी सितंबर में वर्ग दो भी होगा और सितंबर में ही वर्ग तीन का जाएगा। तो अपनी तैयारी करते रहें और जो है आने वाले समय में निश्चित ही अच्छे पदों की संख्या देखने को मिलेगी शिक्षा विभाग में दोस्तों। और इन्होंने कहा भी है शिल्पा गुप्ता ने कि सरकारी स्कूलों में जल्द जो हम शिक्षकों की कमी को पूरा करेंगे, और शासन को 9,000 पदों के लिए जो हमने जानकारी भेज भी दी गई है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। जय हिंद।